जी आज हमारी रेसिपी है बटर चिकन की, जो कि झटपट बिल्कुल भी बनने वाली नहीं है। हम पहले बोले आपको कि बड़ी जल्दी बन जाती है, ये बिल्कुल भी जल्दी नहीं बनती, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन खैर इतना भी टाइम नहीं लगता। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा है, बोनलेस आप चिकन लीजिए और कच्चे चिकन में आपने सबसे पहले क्या करना है कि उसमें नमक, मिर्च, सूखा जीरा, सूखा धनिया और ज़ीरा का पाउडर और दही और लेमन, ये सब चीज़ें मिक्स करके आधा घंटे के लिए इसको मैश करके रख दें, ठीक है। फिर उसके बाद जब आधा घंटा हो जाएगा तो मक्खन लें आप, ठीक है, नूरपुर का मक्खन वगैरह कुछ भी लें, और उसको फिर हाफ जो है टिक्की उसको गर्म करके, ये मसाला जो आपने आधे घंटे के लिए रखा था उसको वो आप कर रख दें, गर्म करने के लिए रख दें। दूसरी तरफ आपने प्याज लाल करनी है, जब प्याज आपके लाल हो जाए तो उसमें जो है आपने लहसुन अदरक का पेस्ट और जो है नमक मिर्च डाल देना है, ठीक है। फिर उसके बाद सूखा धनिया ज़ीरा वही वापस डालना है पाउडर और अच्छी तरह इसको भूनना है। और फिर उसके बाद जब आपने अच्छी तरह भून लिया तो इसमें टमाटर डालेंगे आप, टमाटर नहीं तो केचप डालें, और फिर ये बनाई है क्रीम, ये ठीक है, ये आप डालेंगे और दही डाल के फिर इसका आपने ये मसाला इस तरह भूनना है। और फिर उसके बाद जब हल्का हल्का मसाला भुना जाए तो आप ये देखिएगा ये आपको छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक जो नज़र आ रहे हैं ये सूखी मेथी है, ये आप डाल देंगे, ठीक है। जब ये अच्छी तरह से भून जाएगा, मसाला अलग हो जाएगा, ऑयल अलग हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद आपने इसको इसमें डाल देना है। फिर आपको मैं पानी शक्ल दिखाती हूँ।